फ्री पढ़ाइए ना, फ्री पढ़ाइए, 50 रुपए लीजिए, 40 रुपए लीजिए, 100 रुपए ले लीजिए, गांव के बच्चों को पढ़ाइए, आपका समय जाया नहीं हो रहा, कुछ तो मिल रहा ना आपका, और आप बच्चों को लाखों का दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज, आप यहां बैठे हो ना जितनी देर, किसी की बुराई नहीं कर रहे हो, किसी से झगड़ा नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। किसी को गालियां नहीं दे रहे हो, है ना? किसी होटल में बैठे चाय नहीं पी रहे हो, आपको कुछ सीखने को मिल रहा, इसको वैल्यू दोगे, ठीक है ना? ये कपड़ा है ना, ये कपड़ा है, आप इसको साफ ना करिए, साफ ना करिए कि आपकी इज्जत रहेगी क्या समाज में? नहीं रहेगी ना। आप उसको साफ करेंगे जब आप अपने आप को वैल्यू देंगे ना, आपकी वैल्यू पूरा समाज करेगा। जब अपने आप को खुद वैल्यू नहीं दे रहे हो तो समाज के किस चीज की अपेक्षा करते हो? तो हम खुद नहीं अपने आप को रिस्पेक्ट दे पा रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। सम्मान एक बार चला गया पब्लिक में, वह वापस नहीं आएगा। और ये भी हम जानते हैं, अपमानित होइए, अपमानित होना ही आपको बेहतरीन बनाएगा, क्योंकि लोहे को जितने ज्यादा तपाया जाता है ना, उसके बाद उसका मनचाहा आकार बना लो। अपने आप को जितने ज्यादा तपाओगे ना, मनचाही दिशा दे दो। भगवत गीता में ज्यादा ज्ञान है हमें ये सुनाना है, या पढ़ाई में कोई भी जॉब हम लेने के लिए सक्षम है। आप बड़े नहीं हो रहे हैं, आने वाला हर एक साल आपको छोटा कर रहा है, इस चीज को जहन में डाल लीजिए, आप बड़े नहीं हो रहे हैं। जिस दिन आपका जन्म होता है ना, उसी दिन से आप छोटा होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी आयु कम होने लगती है। जब आपकी आयु कम हो रही है, जो खर्च हो गई उम्र, वो हमारी उम्र नहीं है, समझ गए ना? जो बची हुई है वो हमारी मेन उम्र है। और उम्र किसको पता है कितनी बची है? किसी को पता है क्या? हम अभी कह रहे नहीं, अभी हमारी 50 साल उम्र है, कैसे कह सकते हैं? यहां से निकले कुछ भी हो सकता है, नहीं कह सकते ना कि भी हमारी इतनी उम्र बची है, नहीं कह सकते। लेकिन जो है, जो हम जी रहे ना, हम इसको बेहतरीन जिएंगे। गरीब शब्द क्या है जानते हो? गरीब का मतलब क्या होता है? गरीब का मतलब वो होता है जो देख ना सकता हो, जो सुन ना सकता हो, जिसके हाथ ना हो, जिसके पैर ना हो, कुछ ना करने योग्य हो, वो गरीब है। आप सक्षम है, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आपके हाथ हैं, हाथ में 5 उंगलियां हैं, है ना? आप खा सकते हैं अपने हाथ से, किसी के खिलाने के मतलब मोहताज नहीं कि कोई खिलाएगा तो हम खाएंगे। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम सबसे कम है। अरे वो क्या करे जिनके पास एक पैर नहीं, एक पैर ही नहीं है। अरे वो क्या करे जिनका दाहिना हाथ ही नहीं है। अरे वो क्या करे जिनके दोनों हाथ नहीं है। अरे वो क्या करे जो बोल ही नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। वो क्या करे जो समाज को देख ही नहीं सकते। आप उनकी कल्पना करिए जिनके तन पे वस्त्र ही नहीं है, ठंडक में ऐसे ही कांप रहे हैं। कल्पना तो करिए आप अपने अपने इस इतने मतलब इतना शानदार होने के साथ साथ भी आप चिंतित हैं। किस लिए चिंतित हैं? उसका मेन कारण है आपके पास शिक्षा का अभाव है, अज्ञान। ज्ञान एक ऐसी चीज है, आपके पास अगर है, ठीक है ना, इतना सारा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, यूट्यूब है, आप डालिए ना, इससे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, जॉब सरकार पर डिपेंड करती है, लेकिन आपका नॉलेज कितना हो यह सिर्फ आप पर डिपेंड करता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। जितने ज्यादा आपके पास नॉलेज हो जाएगा, आप उतने ज्यादा सक्षम है। कोई भी वक्ता बोल रहा होता, वो नहीं बोल रहा होता, उसका ज्ञान बोल रहा होता है। आज हम यहां बैठे हैं, कल आप यहां बैठेंगे, समझ गए ना? बस आप अध्ययन करिए। नदी होती है ना, जो नदी होती है, जब नदी का बांध टूटता है, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। कोई रोक सकता है क्या? कोई मशीन नहीं रोक सकती, कोई इंसान नहीं रोक सकता। जिसे कहते हैं प्राकृतिक आपदा, इसे कौन रोक सकता है? जब आपके अंदर बदलाव का प्रवाह बहेगा ना, फिर उसके बीच में जो आएगा वह ढह जाएगा, समझ गए ना? फिर आपके अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा भी डालने का प्रयास करेगा, आपको उसकी आवाज सुनाई ही नहीं देगी।
आपके अंदर जब इतनी क्षमता है कि आप 10 मिनट में 5 किलोमीटर रेस निकालने की क्षमता रखते हैं, तब आपसे जब कोई ये कहेगा कि आपसे नहीं होगा तो क्या वो आवाज आपको सुनाई देगी क्या? विराट कोहली को देखते हो, अमिताभ बच्चन को देखते हो, ये एक समय इन लोगों का ऐसा आया है कि कुछ नहीं बचा था लाइफ में। विराट कोहली को जानते हो, पिता की डेड बॉडी घर पे पड़ी है, वो क्रिकेट खेल रहा। हौसला होना चाहिए ना, यहां